सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आयुर्वेदिक हेल्थ अपडेट्स को, बेल आइकन को दबाए नई होम रेमेडी देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं जो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक नेचुरल होममेड एक फेस पैक है और आपकी स्किन को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप 30 प्लस हो तब आपको इसे बनाकर अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। तो आप कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरीके से तैयार करना है। आपको एक ग्रीन टी बैग लेना है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मैंने यहाँ पर एक ग्रीन टी बैग ले लिया है। 2 चम्मच मैंने इसमें लिया है दही और अब 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी हनी। अब कुछ बूंदे मैं इसमें डालूंगी आलमंड ऑयल। अगर आपकी स्किन को बादाम ऑयल सूट नहीं करता तो आप इसकी जगह कोई और भी ऑयल ले सकते हैं। और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है मुल्तानी पाउडर। अगर मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को सूट नहीं करता तो आप इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं और आप इसकी जगह कॉफी पाउडर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर दही ली है। अगर दही आपकी स्किन को सूट नहीं करती तो आप इसकी जगह कच्चा दूध भी ले सकते हैं। इसको डालने के बाद आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज सूट नहीं करती है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपने इसको बनाने का तरीका सीख लिया। अब मैं आपको इसको लगाना बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन करना है। अगर आपकी एज 30 प्लस है तो आप इस पैक को बनाकर जरूर ट्राई करें और इस पैक को आप अपने फेस पर, क्लीन फेस पर ही आप इसको लगाएं। अपने फेस को पहले क्लीन कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद ये पैक अपने फेस पर लगा लें और आपकी जो स्किन है दिन पर दिन निखरती ही चली जाएगी और आपकी स्किन एकदम यंग रहेगी, टाइट रहेगी। और अगर आप चाहते हो तो आप इसमें रोज वाटर भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए, अब आपको लगाना है इसे अपने फेस पर इस तरीके से जैसे कि मैंने अपने हाथ पर लगाया है। जितना ग्रीन टी पीने में फायदेमंद होती है, इसे लगाने में भी हमारी स्किन हमेशा यंग बनी रहती है और टाइट बनी रहती है। इसे लगाने का सही तरीका पता होना चाहिए कि हम इसे किस तरीके से लगाएं। तो देखिए, आपकी बढ़ती हुई उम्र के लिए ये बहुत जरूरी है कि बहुत अच्छा ये एक पैक है। ये मैंने आपको बताया है 30 प्लस के लिए। अगर आपकी एज 25 भी है तब भी आप इसे लगा सकते हैं, इस पैक को बना के लगा सकते हो। आपको इसकी एक मोटी परत लगा लेनी है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप इसे कितने दिन में लगाएं। अगर आप इसे फेशियल की तरह अपने चेहरे पे लगाना चाहते हैं फ्रेंड्स, इसको लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट बाद आप इसको मसाज करते हुए इस तरह से आप इस पैक को आपको निकालना है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप इस पैक को डेली लगाना चाहते हो तो 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे अपने चेहरे पे लगा के रखें। अगर आप इसे हफ्ते में 2 या 3 बार लगाते हो तो 10 से 15 मिनट के लिए लगाएं। अगर 25 से आप ऊपर हो तो आप इस पैक को लगा सकते हो। तो आपको इस तरीके से अपनी स्किन की केयर करनी है। आपकी बढ़ती हुई उम्र को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखती है। अगर एज बढ़ती जाती है तो रिंकल्स की प्रॉब्लम हमें होने लगती है। तो आपको इस पैक को लगाने से रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी और टाइम से पहले जो चेहरे पे रिंकल्स आते हैं ना वो नहीं आएंगे। इस पैक से आपकी स्किन हमेशा सेफ रहेगी। आपके चेहरे पर काले दाग धब्बे हैं, एक्ने की प्रॉब्लम है, झाइयों की प्रॉब्लम है, उन सब से भी आपको छुटकारा मिलेगा। बस इसे आप बनाने का और लगाने का तरीका पता होना चाहिए जो मैंने आपको बता ही दिया। आपको इसे किस तरीके से लगाना है, उसके बाद ठंडे पानी से आप अपने फेस को धो लें। तो ये देखिए, आप मेरे दोनों हाथों में फर्क देख सकते हैं, एक ही बार के इस्तेमाल से कितना फर्क आ गया है। उसी तरह आपके चेहरे पे भी इसका फर्क दिखेगा। आप इसको जरूर बनाएं और जरूर इसको ट्राई करें और इसका रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।